तुम्बाड़ में बहुत सारे सबटेक्स्ट है, दो तीन चीप थ्रिल्स देने वाली झटका हॉरर फिल्म कभी नहीं थी। इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री थ्रिलर विद द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर और उसके कुछ स्पेसिफिक सबटेक्स्ट थे। अगर आप देखोगे तीन चैप्टर से तुम्बाड़ के 1920, 1930, 1940 का पूरी कहानी में सिर्फ विनायक की जिंदगी नहीं बदल रही, भारत भी बहुत बड़े स्केल पे बदल रहा था। तुम्बाड़ 18वीं शताब्दी में नहीं हो सकती थी, तुम्बाड़ 1960 के बाद नहीं हो सकती थी। एक ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, पहला जो चैप्टर है तुम्बाड़ का वो है विनायक की माँ द फर्स्ट जनरेशन। 1920s इंडिया वॉज अबाउट फ्यूडलिज्म, एक्सप्लॉइट हुए जा रही है सब जगह से हैरेस, लेकिन चाहिए बस एक कॉइन चाहिए, पूरी जिंदगी वही एक कॉइन चाहिए, वही एक सपना है, उससे ज्यादा सपना देख नहीं पा रही। बाय 1930s द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑन अ स्लोली स्टडीली, इंडिया वॉज एंटायरली अबाउट इंपीरियलिज्म। तब सेकंड जनरेशन आती है, विनायक आता है, उसको एक कॉइन नहीं चाहिए, उसको बहुत सारे कॉइन चाहिए। और 1947 फाइनली जब हम आजाद हुए थे और हम लोग कैपिटलिज्म की तरह बढ़ने लगे थे, दैट्स व्हेन द थर्ड जनरेशन अपीयर्स, विनायक सेन पांडुरंग। अभी उसको बहुत सारे कॉइन्स नहीं चाहिए, उसको पूरी बैंक लूटनी है। এবেলা ডটিনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি সুচরিতা এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন ডিরেক্টর রাহিজি এবং আর রয়েছেন আমাদের সকলের পরিচিত আনন্দ এল রাই। টুম্বাড় যে ছবিটার স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে কলকাতায় এসছেন এবং আমরা যারা দেখেছি তারা দেখেছি ছবিটা কিন্তু হরর থেকে একটু এগিয়ে। ইয়ে যে ফিল্ম হ্যায় ইসকা কাহানি আপ কাহাঁ সে ইন্সপায়ার হুয়ে? মে বহুত ছোটা থা, জঙ্গল মে থা, রাত কা বক্ত থা। And my friend told me a very unique story. I had never heard something like that. वो मेरे दिमाग में रहेगी, जहन में रहेगी। तो वहाँ से 1997 में मैंने पहला ड्राफ्ट लिखा, वहाँ से वो एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गई और 2008 में मैंने उस पर फाइनली फिल्म बनाने को ले ली मैंने। ये फिल्म जब आपने सोचा कि इसको प्रेजेंट करेंगे, क्या देखा इसमें? ये बहुत मुश्किल फिल्म रही है, अपने आप में एक सिनेमैटिक फिल्म है, नए तरीके से कहानी सुनाई गई है, बहुत डिटेलिंग पे काम हुआ है। जितना वक्त लगना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, बट बहुत प्यार से बहुत पैशन के साथ बनी हुई फिल्म है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में लोग इसको अपने सामने रख के बहुत सारी कहानियों को का होराइजन खोलेंगे। फिल्म में ये कंप्यूटर का कितना अभी इम्पोर्टेंट? एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल एक कहानी सुनाने के लिए होता है। मेरी ऑडियंस को इससे कोई लेना देना ही नहीं है, उनको कहानी सुनाई देनी चाहिए और सच्ची सुनाई देनी चाहिए। तुम्बाड़ को देखते हुए भी कहीं आपके मन में VFX अगर आ गया तो कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए। वो टेक्निक की वजह से कहानी नहीं है, इस कहानी की वजह से टेक्निक है। आपको क्या लगता है जब भी कोई बिग स्टार होता है उससे कुछ बॉक्स ऑफिस में कुछ अलग रिस्पॉन्स होता है? जिनको हम बिग स्टार बोल रहे हैं वो ऐसे तो हुआ नहीं कि कल आए और वो बिग स्टार बन गए, उनकी भी जिंदगी के दो दो डिकेड्स लग गए हैं तो जाके वो एक बड़ा स्टार तैयार होता है। उन्होंने भी अपने हिस्से की मेहनत की है, ऑडियंस को प्यार में डाला है, तो वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसका रिटर्न तो उनके पास आएगा ही आएगा। एज अ मेकर मैं अपने लिए या राही के लिए ये बोल सकता हूँ कि हम लोग कहानी के मोहताज हैं, हमें कहानी सुनानी है, हमारे एक्टर वो कहानी सुनाने का जरिया है। सोहम के रूप में आ जाएगा, कभी आयुष्मान के रूप में आ जाएगा, कभी कहानी वैसा मांग लेगी कि हमें एक सुपरस्टार चाहिए होगा। आपको एंड ऑफ द डे एक्टर कहानी सुनाने के लिए लगते हैं, और कहानी अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी एक्टर का क्या कर लेंगे? আপনারা দেখুন তুম্বাড়, এবং আমরা যে জিনিসটা ভুলে যাচ্ছিলাম আমাদের মধ্যে যে গ্রিড, মানে যেটা অনেক বেশি পাওয়ার একটা ইচ্ছে সবসময় তাড়িয়ে বেড়ায়, সেখান থেকে হয়তো এই ছবিটা নিজেরা দেখবেন এবং নিজেদের নেক্সট জেনারেশনকে শেখাতে সাহায্য করবেন।